नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के लेक्चर में हम आपको क्लास 12 स्टेट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे। तो आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले सामान्य सूचकांक का दूसरा भाग है, जिसके मतलब कहता हूँ टाइप नंबर 2। इसको कैसे सोल्व करेंगे और कैसे पहचानोगे बच्चों? जब सवाल के अंदर एक से अधिक वस्तु दिया गया हो और दो से ज़्यादा अगर वर्ष दिया गया हो, तब बच्चों आपको टाइप नंबर 2 सूचकांक निकालना रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए कोई एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर लेने वाले बच्चों उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा है, एक फ्लोर मिल में 3 धान, गेहूँ और बाजरी चने के आटे वर्ष 2011 से 2015 तक की बिक्री के अनुसार निम्न सूचना का औसत सरल औसत का उपयोग के द्वारा अचल आधार की विधि, मतलब आधार वर्ष 2011 लेना है, और परंपरित आधार की विधि से बिक्री का क्या निकालना है बच्चों, सामान्य सूचकांक निकालना है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक से ज्यादा वर्ष दिया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक से ज्यादा वर्ष दिया है, इसलिए यहाँ पर सामान्य सूचकांक दूसरा भाग निकलेगा। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी कर लेंगे और एक एक करके बच्चों पहले हम अचल आधार की विधि से करेंगे, फिर हम आपको परंपरित के आधार की विधि से दोनों तरीके से सॉल्व करके अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते बच्चों। तो देखो बच्चों, आपके सामने पड़ा यहाँ पर मेरे टेबल रेडी कर दिया। पहले हम सोल्व करेंगे अचल आधार की विधि से, और आधार वर्ष आपको क्या लेना है बच्चों, 2011 लेना है। तो 2011 ये रहा, ठीक है बच्चों, यानी कि 2011 का आधार वर्ष लेना है अचल आधार की विधि से करना है। अचल आधार की विधि का आपका सौतर पता ही बड़ा कि जो तो आधार वर्ष जिसको बोले बच्चों, उसको हमें फिक्स कर देने का। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए कैसे सॉल्व करेंगे एकदम ध्यान से सीखो बच्चों। 40 लिखा है तो 40 का आधार वर्ष ही नहीं, 2011 का ही होगा, 40 का 40 लिखेंगे, गुणे करेंगे 100। और बच्चों आधार वर्ष बोला है तो ये जो 40 है बच्चों, ये 40 सबके बटे में फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 40 आएगा, गुणे करेंगे 100। 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 क्लियर हो गया, एक वर्ष हमारा निकल गया, गेहूं का निकल गया। अब हम किसका निकालेंगे, बाजरी का। तो आधार वर्ष 11 के लिए नहीं, तो यहाँ पर 20 है, तो 20 का 20 गुणे करेंगे 100। तो यहाँ पर 20 को हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर 20 गुणे 100, यहाँ पर 20 गुणे 100, यहाँ पर 20 गुणे 100, यहाँ पर 20 गुणे 100। आगे हम निकालेंगे बाद में। अब बच्चों ये भी, अब हम निकालेंगे चने का। चने का यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 50 गुणे 100, यहाँ पर भी लिखेंगे 50, क्योंकि 50 फिक्स हो जाएगा, तो 100। फिर यहाँ पर 50 गुणे 100, यहाँ पर 50 गुणे 100, यहाँ पर 50 गुणे 100। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। अब 40 में 10 का गुणा करके, सॉरी 40 में 100 का गुणा करके 10 40 से भाग देंगे बच्चों, तो कितना आएगा, आंसर आएगा 100। इसमें भी कितना आएगा, 100। इसमें भी कितना आएगा, 100। चलिए बच्चों, अब 46 में 100 का गुणा करो, भागे करो 40, कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 115। क्लियर हो गया? और यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, देख के बताओ जल्दी, कितना आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी, 125। इसमें कितना आएगा, 140। इसमें 160। चलिए इसमें भाग दो बच्चों, 30 गुणे 100 भागे 20 करेंगे, कितना होगा, 150। इसमें 180, इसमें 210, और इसके अंदर होगा 270। 64 गुणे 100 भागे 50 करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 128। फिर 160, फिर 192, फिर 224। बस क्लियर हो गया बच्चों, सब मैंने निकाल दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, योग। योग कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर गुणेंगे ये और ये, 100 100 100, कितना हो जाएगा बच्चों, 300 हो जाएगा। अब 115 150 128 तीनों को जोड़ेंगे बच्चों, कितना होगा, 393। 125 180 160 तीनों को जोड़े बच्चों, कितना आएगा, 465। चलिए 140 210 192 को जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चों, 542। फिर 160 270 224 को जोड़ेंगे बच्चों, कितना आएगा,
54 आएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर निकालेंगे सामान्य सूचकांक। क्या सूत्र है? योग बटे 3, मतलब योग अपना ये है 300। और बच्चों कितने वस्तु दिया है? 3 वस्तु दिया है। देखो 1, 2, 3, तो इसलिए यहाँ पर किससे भाग देंगे? 3 से। यहाँ पर 393 भागे 3, 465 भागे 3, 542 भागे 3 और 654 भागे 3। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? तो पहले का आंसर आएगा 100, दूसरे का आएगा 131, तीसरे का आएगा 155 और चौथे का आएगा 180.67 और इसका आएगा 218। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर अचल आधार की विधि से सॉल्व कर दिए। अब बच्चों हमें परम्परित से सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को अगर परम्परित से सॉल्व करना है सामान्य सूचकांक, तो उसे कैसे सोल्व करेंगे उसे भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले चलो एक बार वापस से बॉक्स बना लेते हैं और रेडी कर लेते हैं बच्चों। चलिए मैं फटाफट बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने बॉक्स रेडी कर दिया। अब हमें कौन सी मेथड से करना है? पारंपरिक आधार की विधि से करना है। पारंपरिक का मतलब क्या होता है बच्चों? हर साल वर्ष बदलता रहेगा। क्या होगा? हर साल वर्ष बदलता रहेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों? चलिए पहला बता देता हूँ बच्चों। पहला मैं कैसे कर रहा हूँ आपको बता दे रहा हूँ। कितना आएगा देखो मैं बता रहा हूँ आपको। 40/40 कूड़े में करेंगे 100। और दूसरे में क्या होगा बच्चों? गत वर्ष। गत वर्ष क्या होगा? इसकी पहले वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू कितना दिया? 40। तो यहाँ लिखेंगे 40 गुड़े में 100। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसके पहले वाली वैल्यू कौन सा है? 46। तो यहाँ पर आएगा 46/100। 56 है तो इसकी पहले वाली वैल्यू क्या है? 50 गुड़े में 100। 64 के पहले वाली वैल्यू क्या है? 56। तो यहाँ लिखेंगे 56 गुड़े 100। यानी यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? हर साल वैल्यू नीचे की चेंज हो रही है। आधार वर्ष हर बार चेंज होगा क्योंकि पारंपरिक का सूत्र क्या है बच्चों? चालू वर्ष के चल मूल्य बटे गत वर्ष का चल मूल्य। गत वर्ष मतलब इसके पहले वाली वैल्यू। ठीक है, चलिए दूसरा कैसे निकालेंगे? वैसे ही 20/100। अब यहाँ पर इसके पहले वाली वैल्यू क्या है बच्चों? 20 है, तो 20/100। और 36 है, 36 की पहले वाली वैल्यू क्या है? 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30/100। और 42 की पहले वैल्यू क्या है बच्चों? 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36/100। 54 की पहले वैल्यू क्या है बच्चों? 42। तो यहाँ लिखेंगे 42/100। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? उसी तरीके से इसको भी करेंगे। चलिए 50/100, इसमें भी 50/100। 80 की पहले वैल्यू क्या है? 64। तो 64/100। तो यहाँ पर इसकी पहले वैल्यू क्या है? 80/100। 112 की पहले वैल्यू 96/100। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों? भागा करके के आपको आंसर निकालना तो आता ही है। कैसे निकालोगे? 40/100 / 40 करेंगे, कितना आएगा? 100। इसका कितना आएगा? 100। इसका कितना आएगा? 100। चलिए 46/100 / 40 करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा? 115। इसका कितना आएगा? 150। इसका कितना आएगा? 128 आएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका निकालो, इसका कितना आएगा? 108.70। चलिए मैं निकाल के आपको बता देता हूँ बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसका टोटल निकाल दिया आंसर। अब क्या करना है बच्चों? देखो सारी वैल्यू मैंने निकाल दिया। अब आपको योग में क्या करना है बच्चों? देखो 100+100+100 कितना हो जाएगा? 300। और 115+150+128 कितना होगा? 393। 108.70, 120, 125 तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? तो 353.7। इधर इन तीनों को जोड़ने का, इधर इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया। अब योग आगे बच्चों आपको निकालना है सामान्य सूचकांक। कैसे निकालेंगे? तो योग बटे 3, मतलब 300 लिख करके फिर बटे में क्या रखेंगे? 3। फिर 393 लिख के बटे में 3, ऐसे सब लिख देना है। उसके बाद इसमें भाग देंगे बच्चों, इसमें इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। आयो बच्चों आपको ये पारंपरिक वाला विधि भी आपको सामान्य सूचकांक निकालना आ गया है। आयो बच्चों आपको ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों यहाँ पर कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। कौन सा करोगे? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो बाकी का क्वेश्चन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए
बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।